वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आई एम नील कमल और आज हम क्लास सिक्स के SPL का सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसके तीन वीडियो होंगे टोटल और दो वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है और आज इस वीडियो में इस चैप्टर का जो लास्ट सब टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ और वो है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी का मतलब है समानता के लिए प्रयास। तो हम लोगों ने जिस तरह से पहले पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है कि किस तरह से लोग कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ असमानता का बिहेव होता था, इनइक्वालिटी होती थी और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उन सब के अगेंस्ट मैंने बताया था कि स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और इसके बाद समानता के लिए प्रयास किए जाने लगे। तो इस सब टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्वालिटी के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड था, जब हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल था, उस समय दो फ्रंट पे लड़ाइयाँ चल रही थी। एक लड़ाई तो चल रही थी, एक स्ट्रगल जो था वो अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, स्ट्रगल को हम पहला जो स्ट्रगल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था और ये जो था ये फॉरेन पावर के अगेंस्ट था। हमारा ये स्ट्रगल फॉरेन पावर के अगेंस्ट था, लेकिन जो दूसरा स्ट्रगल था वो इंडियंस के ही अगेंस्ट था। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो इक्वालिटी चाहते थे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनको इक्वालिटी नहीं मिली हुई थी और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये जो स्ट्रगल था वो हमारे अपने ही लोगों के खिलाफ था, यानी लड़ाई जो थी वो दो फ्रंट पे थी, एक तो फॉरेन पावर के अगेंस्ट यानी दूसरों के खिलाफ और एक खुद अपने ही खिलाफ लड़ाई थी, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई थी, वैसे लोगों के जो इन ग्रुप के लोगों को समानता का अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो ये लड़ाई जो थी हमारी इंडियंस के ही खिलाफ थी। अब इस ग्रुप में कौन लोग आते थे और उनकी क्या डिमांड थी, हम ये बात करेंगे। तो इस ग्रुप में सबसे पहले हम लोग दलित्स को ले लेते हैं, पहला जो है दैट इज दलित, सेकेंड विमेन, थर्ड पीजेंट्स यानी कि किसान, और फोर्थ हो गया ट्राइबल पीपल जो होते थे। ये जो ग्रुप हैं बच्चों, इनको एक्चुअली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप नोटबुक में कुछ लिखते हो तो एक मार्जिन बनी होती है, यानी साइड में आप एक मार्जिन छोड़ा हुआ होता है। ठीक यही कंडीशन इन लोगों की थी कि ये ग्रुप जो थे ये एक समानता के विकास में साथ नहीं चल सके और कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए। तो इन लोगों की अपनी डिमांड थी और इन लोगों को और भी इक्वालिटी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो पहला जो ग्रुप है हमारा दलित, इनका क्या डिमांड हो सकता है यदि हम सोचें तो आप याद करें, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि इन्हें ना तो उस कुएं से पानी भरने दिया जाता था, ना उस रोड पे चलने दिया जाता था, ना किसी विलेज में एंटर करने दिया जाता था, और तो और इन्हें मंदिर में भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। और इसीलिए इन लोगों की डिमांड थी कि हमें टेम्पल में एंट्री की समानता मिलनी चाहिए, यानी जिस तरह से सभी लोग मंदिर जाते हैं भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही हमारे को भी अधिकार होना चाहिए कि हम मंदिर जाएं और भगवान के सामने शीश नवा सकें। पर इनको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, तो इनका क्या डिमांड था समानता के लिए, समानता के लिए इनका ये डिमांड था कि हमें टेम्पल में एंट्री दी जाए। विमेन का क्या डिमांड हो सकता है, विमेन का ये डिमांड था कि मेन के इक्वल यानी जो हमारे समाज में जो पुरुष वर्ग है उनके बराबर इन्हें भी शिक्षा का अधिकार दिया जाए। तो इनका हो गया राइट टू एजुकेशन, विमेन को क्या चाहिए था राइट टू एजुकेशन। अब ये दो ग्रुप बच गए,
इन दो ग्रुप में पीजेंट्स यानी कि किसान और ट्राइबल पीपल यानी कि जनजाति हुआ करती थी। इनकी क्या डिमांड थी? इनकी ये डिमांड थी कि एक्चुअली दे वांटेड टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ मनी लैंडर, जो महाजन होते थे जो इन्हें लोन देते थे, वो इतना हाई इंटरेस्ट पे इन्हें लोन देते थे कि उसके चंगुल से बच पाना इनके लिए संभव नहीं हो पाता था। तो इन दोनों का ही ये डिमांड था कि महाजन के चंगुल से इन्हें मुक्ति मिले, ठीक है। दे वॉन्टेड टू रिलीज देमसेल्फ्स फ्रॉम द मनी लेंडर। और दूसरी इनकी डिमांड जो थी ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, और वो ये कि इनको इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था कि ये चाहते थे कि उसकी जो मात्रा है उसको कम कर दिया जाए। तो इनकी जो दूसरी डिमांड थी वो थी हाई इंटरेस्ट से मुक्ति। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि दलित की डिमांड थी कि टेंपल एंट्री करना चाहते थे, विमेन की डिमांड थी कि ये मेन के बराबर एजुकेशन प्राप्त करना चाहती थी, और पीजेंट्स और ट्राइबल ग्रुप जो थे उनकी ये डिमांड थी कि हमें मनी लेंडर के चंगुल से मुक्ति मिल जाए और जो हाई इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है उससे भी हमें मुक्ति मिले, या फिर वो हाई इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दिया जाए। तो इस इक्वालिटी के प्रयास के लिए, इस समानता के प्रयास के लिए क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए, इस तरह के प्रोविजंस किए गए ताकि ये इनइक्वालिटी जो व्याप्त है हमारे समाज में उसका अंत हो सके। उनमें से क्या है कुछ वो हम देखते हैं। फर्स्ट है इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। राइट टू इक्वालिटी एक्चुअली दी गई। एक्चुअली आप देखिए क्या है कि इक्वालिटी जो है वो एक वैल्यू है, और क्लास 6 से लेकर 10 क्लास तक आप देखोगे बच्चों कि आपको इक्वालिटी के ऊपर बहुत फोकस करके पढ़ाया जाता है। तो आपसे यदि पूरी पढ़ाई के बाद आपसे यदि ये कोई पूछे कि आपने क्या सीखा, तो इक्वालिटी वो वैल्यू है जो आपने सीखा। हर तरह की इक्वालिटी आपने देखी और हर तरह की इक्वालिटी को आपने समझा, और वही हमारी वैल्यू है कि हमने इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना सीखा, यानी कि हम किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है और हमें ये नहीं करना है। और यदि हम ऐसा करते हैं या यदि कोई भी ऐसा करता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि आज के डेट में वो सजा का भागी होगा। तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला जो है इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सभी लोगों को बराबर के अधिकार और बराबर के अवसर मिलने चाहिए। सेकंड है अनटचेबिलिटी इज सीन एज क्राइम। आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अनटचेबिलिटी, जैसा कि मैंने बोला कि हमारे भारत के लिए कर्ज था, एक अभिशाप था, तो उस अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया आर्टिकल 17 के तहत, और अनटचेबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। और यदि कोई इस तरह की हरकत करता है किसी के साथ अनटचेबल्स जैसा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तीसरी चीज़ है राइट टू वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अनटचेबल्स थे उनको ये अलाउ नहीं था, उनको सर्टेन टाइप ऑफ वर्क्स करने पड़ते थे और वो कंपेल थे वो करने के लिए, और वो अपने काम को बदल नहीं सकते थे, कुछ और काम नहीं कर सकते थे। तो इस चीज़ को भी इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको किसी भी काम को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके ऊपर ये बंदिश नहीं होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर टाइप का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और चौथा है गवर्नमेंट जॉब, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है वो सभी के लिए खुले होने चाहिए, फिर वो दलित हों, विमेन हों, या फिर पीजेंट्स हों, या फिर कोई सा भी मार्जिनल ग्रुप का कोई भी सदस्य हो, इसके अलावा भी सभी लोगों के लिए इक्वली गवर्नमेंट जॉब के दरवाजे खुले होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दी गई कि उसे जितने भी पुअर्स हैं और जितने भी मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें मुहैया करानी है, ये सारी चीज़ें देनी है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस तरह के प्रावधान किए गए हैं इन इक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, किसी भी तरह के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा ये भी है कि जो डाइवर्सिटी है हमारी, उसका रिस्पेक्ट करना है। हर बहुत तरह के लोग हैं हमारी कंट्री में, अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं, अलग तरह के लैंग्वेज बोलते हैं, अलग तरह के धर्म को मानते हैं, और सभी जो ये अलग अलग तरह के लोग हैं, ये जो डाइवर्स कंट्री है हमारी इंडिया, तो उसकी इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है। अब डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट हम कैसे करेंगे? डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के धर्म को, किसी भी दूसरे व्यक्ति के भाषा को, किसी भी अदर रिलीजन के व्यक्ति की भाषा को, धर्म को हम सम्मान दें। तो तीन चीज़ें हैं बच्चों इसमें। एक तो देख, जब आप डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं तो आपको दूसरे के धर्म को, दूसरे के रिलीजन को इज्जत देना होगा। दूसरी चीज, लैंग्वेज को आपको स्वीकार करना होगा। दूसरे लोग जो भाषाएं बोलते हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना होगा, और दूसरे लोग जो फेस्टिवल मनाते हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट करना होगा। लेकिन साथ ही ये चीज़ भी है कि इन तीनों ही चीज़ में कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कि किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है उसको आप मनाइए। होली है, दिवाली है, ईद है, शुभेरात है, तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी नवरोज़ है, किसी भी फेस्टिवल को अपनी इच्छा से चाहे तो मना सकता है, पर उसे कंपेल नहीं किया जा सकता। तो हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा कि चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे कोई किसी भाषा को बोलता हो, चाहे वो किसी भी फेस्टिवल को मनाता हो, हमें उसके इन चीज़ों की इज्जत करनी होगी और हमें इन चीज़ों का रिस्पेक्ट करना होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो इक्वालिटी की जो वैल्यू है जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं, वो इक्वालिटी एक दिन में नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें हमेशा ही प्रयासरत रहना पड़ेगा। ये कोई ऑटोमेटिक होने वाली चीज़ नहीं है कि भाई लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी और सभी को इक्वालिटी मिल गई। ठीक, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गाहे बगाहे, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली इनइक्वालिटी करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि कोई भी चाहे यदि तो उनके खिलाफ जाके केस कर सकता है। तो ये इक्वालिटी जो चीज़ है इसके लिए हमें प्रयास करना है, है ना। यानी अपने आसपास भी यदि हम इस तरह की कोई घटना देखते हैं तो हमें उसकी कंप्लेन करनी है, हमें उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना है। तो इक्वालिटी जो है ये वो चीज़ है, वो वैल्यू है जिसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है, कंटिन्यूस एफर्ट की आवश्यकता है, और तभी हम अपने राइट टू इक्वालिटी के जो हमारा गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। तो आपका ये चैप्टर अब यहीं ख़त्म होता है, और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं मिलूँगी। तब तक आप मेरे तीनों वीडियो को देखते रहिए, इस चैप्टर के जो तीन वीडियो मैंने डाले हैं इन तीनों को देखते रहिए, और जब आप तीनों वीडियोस को एक साथ देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।